आपको मिल जाएगा 70,000 का, 70,000 रुपये का, ठीक है। मार्केट से आपको कम से कम 20,000, 30,000, 40,000 रुपये सस्ता ये माल मिल जाएगा। और ये आपको यहाँ पर मिलेगा 80 प्लस 85 तक, ये इसका टच पैनल है, ठीक है। ये मेड इन कोरिया है, ये आप देख सकते हैं। प्राइजेस जो है यहाँ पर हम मांगते हैं 80, 75। इसके अंदर सेंसर दिया हुआ है, जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये भी, ये पोर्शन भी इसका डी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। टू आई जी न्यूज एच डी वंस अगेन, एंड नाजरीन हम मौजूद हैं एक बार फिर जैक्सन मार्केट के अंदर किमाड़ी पे मौजूद हैं। आपको आज इस वीडियो में ये दिखाएंगे कि आपके घर में जो फ्रिज इस्तेमाल हो रहा है क्या वो पुराना हो चुका है, उसको लाके आप यहाँ पे क्या सेल कर सकते हैं, और क्या यहाँ से आप एक इम्पोर्टेड फ्रिज जो कि बाहर मुल्क का, जो कि फॉरेन कंट्री का है, क्या वो अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं यूसुफ भाई, जो कि बताएंगे कि इनके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए आपके लिए क्या डिस्काउंट है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं यूसुफ भाई? ठीक है, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह सर। यूसुफ भाई, फ्रिज की तो आपने माशाल्लाह लाइन लगा दी है यहाँ पे, ठीक है ना, अर्शीन इलेक्ट्रॉनिक्स पे हम खड़े हैं, तो ये बताएं कि आपकी शॉप नंबर क्या है और उसके बाद फिर सवाल भी करते हैं आपसे। सर ये है जैक्सन मार्केट केमाड़ी, ये अर्शीन इलेक्ट्रॉनिक्स है, शॉप नंबर नाइन है जी हमारे पास। सर यहाँ पर इम्पोर्टेंट फ्रिज भी पड़े हुए होते हैं, लोकल फ्रिज भी पड़े हुए होते हैं। अच्छा, आवाम जो है ना वो पूछना चाह रही है, जो मैं देख रहा हूँ अक्सर आवाम के जहन में ये आता है भाई डॉलेंस हायर गिरी तो हमें अपने मुल्क में भी मिल जाता है, हम जाएंगे सदर, हम जाएंगे किसी मार्केट वहाँ में आराम से मिल जाएगा। ये जो बाहर से इम्पोर्ट फ्रिज होकर आता है तो इसकी क्या प्राइस होती है और क्या ये ड्यूरेबल होता है, क्या लाइफ होती है इसकी या नहीं, और इसकी जो प्राइस में कोई कमी भी है या नहीं? जी सर बिल्कुल, आपको यहाँ पर जो है ना कम प्राइजेज में माल मिल जाएगा, ठीक है। मार्केट से आपको कम 20,000, 30,000, 40,000 रुपये सस्ता ये माल मिल जाएगा। ये हम खुद इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये हमारे ओनर खुद ही इंपोर्ट करते हैं, एलजी वगैरह के होते हैं। हायर कहाँ से आते हैं सर? ये मेड इन मलेशिया होते हैं। अच्छा। तुर्की वगैरह वगैरह होती है, पोलैंड वगैरह से आते हैं, दुबई से आते हैं, हर मुल्क से आते हैं हमारे पास। तो दिखाएं ना हमें, कुछ डेमो तो कराएं ज़रा फ्रिज का। सर ये है एलजी का 20 क्यूबिक का फ्रिज है, ठीक है। ये अगर मार्केट में आप लेना चाहो तो, अगर इस कंडीशन में आप लेना चाहो तो ये आपको 1,25,000 रुपए का मिलेगा, ठीक है। सही है, ठीक है। और ये आपको यहाँ पर मिलेगा 80 प्लस 85 तक, ये इसका टच पैनल है, ठीक है। यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हो आप, यहाँ पर टेम्परेचर सेट कर सकते हो, ये पावर कूल है और ये चाइल्ड लॉक है, लॉक भी कर सकते हो इसको, ठीक है। ये फुल साइज का फ्रिज है 20 क्यूबिक का, ये मेड इन कोरिया है, ये आप देख सकते हैं। ये दिखाओ भाई, ये मेड इन कोरिया है जी, ये मेड इन कोरिया है, ये इसका फ्रीजर है और ये इसकी चिपलेट है, मेड इन कोरिया, ठीक है। अच्छा, फुल साइज का फ्रीजर। इसके अलावा ये, अच्छा इसके अलावा जो और मजीद आपके पास चीज है सर? ये हायर का है, एक होता है हायर पाकिस्तानी लोकल, बिल्कुल हमारे पास हायर है ऑस्ट्रेलिया का जी, मेड इन ऑस्ट्रेलिया जी, ये इम्पोर्टेंट वाले ओरिजिनल इम्पोर्टेंट हायर है, आपका इम्पोर्टेंट आइटम है ये। नाज़रीन वो हायर का आप फ्रिज देख रहे हैं जो कि पाकिस्तानी मेड नहीं है बल्कि ये फॉरेन कंट्री के अंदर इसको बनाया गया है और वहाँ से फिर ये इम्पोर्ट होकर यहाँ पर आया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसकी जो मतलब एक बॉडी है और जो इसकी फिनिशिंग है वो वाली नहीं है जो पाकिस्तानी मेड हो, वैसे भी नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके क्या क्या प्राइस हैं, इसके क्या मतलब क्यूबिक फीट हैं इसके? इसके प्राइजेज जो है यहाँ पर हम मांगते हैं 80, 75। मार्केट में अगर आप ये लोगे तो आपको ये मिलेगी 90 लाख रुपए के करीब करीब मिलेगी। आप लाख वाली चीज़ आपको 80 में मिल रही है यहाँ पे, ठीक है ना ये। और ये अच्छा, इसमें कोई ख़राबी तो नहीं होती ना? नहीं सर, इसमें खाली गैस चार्ज होते हैं, माइनर लीक हो जाते हैं, फिर हम इसको जो है ना गैस फिल करवा देते हैं। एक आवाम के सामने सवाल ये भी है कि बाहर का एसी आएगा, बाहर का फ्रिज आएगा तो उसको टेक्नीशियन भी हमेशा बाहर से बुलाना पड़ेगा कोई गोरा? सर हमारे पास इसके टेक्नीशियन भी मौजूद होते हैं, हमारे पास अगर हम ये काम कर रहे हैं ना तो अव्वल से टेक्नीशियन मौजूद होते हैं हमारे पास, इसके नो फ्रॉस्ट का टेक्नीशियन भी है हमारे पास। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि भाई इनके पास सिर्फ जो है ना वो प्रोडक्ट्स नहीं है बल्कि उसकी पोस्ट सेल सर्विस भी मौजूद है इसके पास। अच्छा, इसके अलावा और क्या दिखा रहे हैं आप यूसुफ भाई? बाकी ये एलजी का है, डीसी इन्वर्टर है, ठीक है, ये 16 क्यूबिक में है, स्मार्ट इन्वर्टर है, ये है मेड इन इंडिया, ये आप देख सकते हैं, मेड इन इंडिया, सही है, ये आप देख सकते हैं। ये इसका फ्रीजर का साइड है, ये लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, और ये इसका फ्रिज है, ये पावर सेविंग भी करता है, सेविंग एनर्जी जो है इसकी 36 वो है, एनर्जी सेवर 36% यानी कि एनर्जी सेव करता है, ठीक है। और इन्वर्टर है, विदाउट स्टेपलाइजर चलता है, अगर आप लोग की वोल्टेज कम है तो आप स्टेपलाइजर लगाए, वरना अगर वोल्टेज पूरे है तो स्टेपलाइजर लगाने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है जी। क्या प्राइस चार्ज करेंगे इसके आवाम से, और ये बताएं कि वीडियो देख के आने वाले के लिए क्या डिस्काउंट है? सर अगर
कस्टमर हमारे आपके इस वीडियो को देख के आते हैं तो हम मजीद डिस्काउंट भी कर सकते हैं, जो रेट होते हैं उसके बावजूद भी हम 10-15 हज़ार रुपए डिस्काउंट कर देंगे आप। क्या बात है, और क्या प्राइस रखी वैसे आपने इसकी? इसके प्राइस हमने रखे हैं 95। वैसे अगर ये आप मार्केट से लोगे ना इस कंडीशन में तो आपको 120-125 के करीब करीब मिलेगा, क्योंकि ये जो है ये बिल्कुल नए के जैसा पीस है, ये बहुत कमतर चला हुआ। नादिर 10x10 तो नहीं, 9x10 इसकी कंडीशन मुझे यहाँ से लग रही है। प्राइस आपने सुन ली है, ये है हमारे पास, यानी कि इस वीडियो में आपको दिखाने के लिए अगली प्रोडक्ट। ये बीको है। बीको जी, ये मेड इन तुर्की है। अच्छा ठीक है जी, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है सर। ये आपको मिल जाएगा 70,000 का, 70,000 रुपये का। वैसे अगर ये डब्बा पैक लेना चाहो, ये थोड़ा सा महंगा लग रहा है प्राइस में सर, लेकिन ये जो है ना, ये अगर आप मार्केट से लेना भी चाहो ना तो ये आपको 10-15 से कम का नहीं मिलेगा। अच्छा, अब अगली आप कुछ दिखा रहे थे मुझे इसमें। ये हमारी खुद की इम्पोर्ट है सर, ये LG की है, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू पीस है। अच्छा, ये चले हुए नहीं है होते है। ये हम कार्गो खुद करवाते हैं पोलैंड से दुबई, दुबई से जो है ना फिर पाकिस्तान। सही है, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है। आप इसकी कंडीशन देख सकते हो, ये अगर आप डॉलर में खरीदना चाहो तो ये आपको मिलेगा $1200, $1250। वाह जी वाह, क्या पीस निकल गया है अंदर से। इसको कन्वर्ट करवाना चाहो तो आपको पता है कि डॉलर का रेट आजकल क्या चल रहा है, 3.5-3 लाख रुपए तक, लेकिन हम यहाँ पर ये देते हैं 1,50,000, 1,55,000, आधे से भी आधे कीमत में। नाज़रीन ये है वो प्रोडक्ट जो कि आपको मिलेगी आधी कीमत में। ठीक है, इसके अंदर डीप फ्रीजर भी है नीचे इसका, डीप है और ये जो है ना लेंसर है इन्वर्टर। ये नाज़रीन इसका डीप फ्रीजर जो है वो नीचे है, ये वाला जो एरिया है ये इसका जो है डीप है ना, ऐसा ही है, और ऊपर जो है वो इसका एसी मतलब फ्रिज है। इसको ऐसे सेट करेंगे ना आप तो ये भी जो है ना, ये पोर्शन जो है इसका डी में चला जाएगा। अच्छा, इसके अंदर सेंसर दिया हुआ है, जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये भी, ये पोर्शन भी इसका डी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा, डबल डोर कोई चीज़ आपके पास जो आवाम देखना चाहती है? डबल डोर हमारे हम दिखा दें। ये मेड इन कोरिया है, ये सैमसंग है जी, ये सैमसंग है मेड इन कोरिया, ये भी बिल्कुल ब्रांड न्यू की तरह है, डिस्प्ले वाला पीस कम चला हुआ है। तकरीबन ये आपको यहाँ पर मिलेगा 2-2.5 लाख ये रेट मिलेंगे। अगर आप नया खरीदना चाहो तो ये 3-3.5-4 लाख रुपए का आपको मिलेगा। ये है बिल्कुल नए के जैसा पीस, और ये भी स्मार्ट इन्वर्टर है, मतलब डिजिटल इन्वर्टर है। सही है, आपके पास इसके इसकी वारंटी यहाँ क्लेम नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो है ना सर्विस सेंटर नहीं है। बाकी हम अपनी तरफ से इसकी चेकिंग वारंटी देते हैं 1 मंथ की। 1 मंथ में अगर कोई भी चीज़ इसकी ख़राब होती है या कार्ड में कोई इशू होता है या कुछ भी होता है तो हम टेक्नीशियन घर भिजवा के सही करवा के दें। आवाम के लिए क्या प्राइस रखी आपने? आवाम के लिए इसकी प्राइजेज रखी है 2,40,000 रुपये सर। नाज़रीन ये है प्राइस आपके लिए 2,40,000 रुपये के, जो कि बाहर आपके शायद 3-3.5 लाख का मिलेगा, लेकिन आपके लिए 2,40,000 रुपये का यहाँ पे किमाड़ी में जैक्सन मार्केट के अंदर दिवाली प्रोडक्ट अवेलेबल है। बाकी मेरे पास एक इम्पोर्टेंट में ये पड़ी हुई है, ये पोलैंड से मंगाई हुई है। ठीक है सर, ये है थ्री डोर। हाँ, इसको ऐसे पुश करोगे तो यहाँ पर भी आप सामान रख सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो है ना ये आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है सर। सही है भाई, ये थे ना, ये है थ्री डोर, ये आपने पहले इसका वो पुश किया है ये विंडो, उसके बाद आपने ये पूरा ये जो इसका फ्रिज है ये वाला एरिया आपने ओपन किया है। ये इन्वर्टर है सर। ठीक है, ये हमने खुद इम्पोर्ट किया हुआ है। ठीक है, इसमें वाटर डिस्पेंसर, क्रशर, आइस मेकर सब कुछ है। हाँ, वैसे अगर ये डब्बा पैक लेना चाहो आप तो ये 7 लाख रुपए की मिलेगी आपको। अच्छा, हाँ, इसकी प्राइजेस हमने यहाँ पर रखी हुई है 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख जी, आधी प्राइस जी। सही है भाई, ये नाज़रीन ये है यहाँ का शाहकार जो कि आपने देख लिया। किसी को लेना हो तो उसके लिए यहाँ पे रेफरेंस मौजूद है, शॉप का नाम आपके पास है, वीडियो पे नज़र आ चुका है आपको। ठीक हो गया, ये क्या है इसके अंदर? सर इसके अंदर मिसाल के तौर पे आप पीछे से पानी का कनेक्शन देंगे, ठीक है, तो ये वाटर डिस्पेंसर पे सेलेक्ट करोगे तो उसी टाइम पानी निकलेगा। अच्छा। क्रेशर के लिए जो है ना आपको 24 घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर 24 घंटे के अंदर ये जब आइस क्यूब बना ले तो उसको जो है ना ऐसे प्रेस करोगे तो क्रेशर पे जाएगा, तो ये आप जब प्रेस करोगे तो वो क्रेशर निकलेगा, जैसे गंडा गोला का क्रेशर होता है। आपको इन चीज़ों में ये बड़ा फ़ायदा मिलेगा आपको। नाज़रीन इसके अंदर यानी कि आप आइसक्रीम वगैरह जो गोलंडा खाना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर फैसिलिटी अवेलेबल है, मौजूद है इसके अंदर। इसके अलावा ना भाई, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आपने देखा कि आप जैक्सन मार्केट में अगर फ्रिज इस्तेमाल करना चाहें तो कौन सा वाला फ्रिज इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भाई आपको हम बता रहे हैं कि इनका नंबर क्या है, कौन नंबर मेरा ख्याल आपसे रह गया जो कि इस वीडियो में आपको अपडेट कर देते हैं जी।
सर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 03402135829, यूसुफ नाम है मेरा। यूसुफ भाई ये तो आपने बता दिया हमें बहुत अच्छा है कि भाई यहाँ पे हमें फ्रिज लेना है तो कौन सा लेना है, और सबसे अच्छी बात ये कि उसकी पोस्ट सेल सर्विस भी मौजूद है जो कि आपके लिए एक इंतहाई मतलब मोस्टर स्टेप है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आपने देखा कि भाई आप फ्रिज अगर इस्तेमाल करना है तो कौन सा इस्तेमाल करना है। ये हैं बाहर के फ्रिज, ये है इम्पोर्टेड फ्रिज जो कि अपने घरों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्यूरेबल हैं, लॉन्ग लाइफ हैं और वारंटी तो नहीं है मगर पोस्ट सेल सर्विस इनकी बहुत अच्छी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ये थी हमारी आज की वीडियो। ठंडा रहें, ठंडा रखें और ठंडक में काम करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह निगहबान।